हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सो सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे होटल स्टाइल में कैप्सिकम करी मसाला। कैप्सिकम करी बहुत टेस्टी करी बनता है, इसे आप लोग चपाती के साथ या रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी सब्जी बनता है, इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा एक स्पून तेल ले लेते हैं और इसके अंदर बड़े साइज़ में कट किए हुए कैप्सिकम और ऑनियंस डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के फ्राई करेंगे। अगर आप लोग क्रिस्पी चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी निकाल दीजिए, वरना और थोड़ा सा फ्राई करके इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैं यहाँ एक बड़ा ऑनियन, दो टमाटर, काजू, अदरक और लहसुन ले रही हूँ। अभी कैप्सिकम और ऑनियन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा मैं घी डाल रही हूँ। घी के अंदर अदरक और लहसुन डाल देंगे, उसके बाद प्याज डाल देंगे। प्याज को एक मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर टमाटर और काजू भी डाल देंगे। सारे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे एक दो मिनट के लिए, क्योंकि एक ग्रेवी बनाना है, इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे अभी हम लोग एक प्लेट पे निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। आप लोग चाहे तो दूसरी कढ़ाई ले सकते हो, मैं इसी कढ़ाई में सब्जी बना रही हूँ। इसके लिए मैं यहाँ तेल ले रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि ग्रेवी वाला सब्जी है ना। इसके अंदर एक तेज़पत्ता, एक इलायची, एक इंच दालचीनी और एक चम्मच जीरा डाली हूँ और इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ दो छोटे चम्मच और एक छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे। मिर्ची को जलने नहीं देना, काला नहीं होने देना, वरना सब्जी कड़वी हो जाएंगी और इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। थोड़ा देर, एक 30 सेकेंड के लिए मिलाने के बाद इसके अंदर ग्रेवी डाल देंगे। जो ऑनियन वगैरह था उसे मैं ठंडा करके ग्रेवी बना के रख चुकी थी। ग्रेवी डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे सारे को। उसके बाद इसके अंदर कसूरी मेथी और धनिया पाउडर डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और जार में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे मसाला, ताकि जले नहीं और नीचे चिपके नहीं, इसलिए अभी हमें मसाला पकाना है ना। पानी डाल के मिला के इसे ढक के 1 से 2 मिनट अच्छे से पकने देंगे। देखिए 2 मिनट के बाद अच्छे से पक चुका है, ऊपर तेल सारा निकल चुका है, इसका मतलब है सब्जी अच्छे से पक चुका है। इसका कलर भी देखिए चेंज हो चुका है, मतलब सब्जी का मसाला अच्छे से पक चुका है। अभी मैं गैस ऑफ कर चुकी हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे दही डालना है। मैं आप लोगों को इससे पहले बताती थी ना, डालते ही मिलाना चाहिए। अगर उस तरह आप लोगों को मिलाने में मुश्किल हो रही तो इस तरह गैस ऑफ करके आप लोग दही डाल के मिलाइए, दही नहीं फटेगा। गैस ऑफ करने के बाद 1-2 मिनट ठंडा होने देंगे। मसाले को ठंडा होने के बाद इसके अंदर मैं 2 चम्मच दही और 1 चम्मच दूध के ऊपर का मलाई मिला के डाली हूँ। मलाई नहीं है तो दही डाल सकते हो, मलाई कंपल्सरी नहीं, इससे अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं डाली हूँ। अभी गैस ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करके अच्छे से मिला लेंगे, इसमें एक उबाल आने देंगे। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हुए मिला लेंगे। अभी इसके अंदर फिर से थोड़ा सा पानी डाल के सारे मसाले को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद आप लोग ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल के इसके अंदर अभी हम लोग स्वाद अनुसार नमक, 2 चुटकी भर शक्कर डालेंगे। शक्कर अच्छा टेस्ट देता है और सारे मसाले को बैलेंस करता है, इसीलिए डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक और शक्कर। डालने के बाद एक बार अच्छे से मिला के फिर से 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। इसमें अच्छे से उबाल आना चाहिए, देखिए उबाल आ चुका है। इसके अंदर अभी हम लोग कैप्सिकम और प्याज को डाल देंगे। कैप्सिकम और प्याज को डाल के अच्छे से मिला लेंगे सारे मसाले में और इसे ढक के 6-7 मिनट के लिए पकने देंगे। अगर आप कैप्सिकम को क्रंची रखना चाहते हैं तो थोड़ा पानी कम डालिए, इससे ग्रेवी जल्दी थिक हो जाए, आपका सब्जी भी
जल्दी से रेडी हो जाएगा। अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो ग्रेवी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, इससे कैप्सिकम ज़्यादा पक जाएगा। लिए इसके बाद लास्ट में मैं किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। किचन किंग मसाला डाल के और एक मिनट पकने देंगे। इसके बाद अपना सब्जी रेडी है। इसके साथ आप लोग रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छा सब्जी बनता है। और आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए।